नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। साइंस एंड टेक के रिवीजन का ये हमारा 9th लेक्चर है। इस वीडियो में हम फरवरी महीने के साइंस एंड टेक से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो पीटीए से रिलेटेड है, दैट मीन्स प्यूरिफाइज टेरेफ्थैलिक एसिड। प्यूरिफाइज टेरेफ्थैलिक एसिड है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। बिफोर दैट, ये न्यूज में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जो एंटी डंपिंग ड्यूटी प्यूरिफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड के ऊपर लगाया हुआ था उसको रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। क्यों हटा दिया और क्यों लगाया गया था, इस बात को समझ लेते हैं। इसके पहले ये चीज़ है क्या, पीटीए क्या है? पीटीए का मतलब होगा प्यूरिफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड। ये बहुत ही क्रूशियल रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल पॉलिएस्टर फैब्रिक्स बनाने में किया जाता है। पॉलिएस्टर फैब्रिक्स जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनके माध्यम से कपड़े बनाए जाते हैं, यूजुअली इन्हें नेचुरल फैब्रिक्स के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं और कपड़ा बना देते हैं। जो पीटीए है, पॉलिएस्टर प्रोडक्ट में 70 से 80% जो कंपाउंड होता है, जो मैटर होता है, वो पीटीए ही होता है। और इसीलिए जो मैन मेड फैब्रिक्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट इसका हो जाता है। इसीलिए अगर इसके ऊपर ज़्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करी गई तो इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खासा नुकसान होता है। और अभी जब इसके ऊपर से एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा दी गई है, मतलब अब ये जो पॉलिएस्टर फैब्रिक्स तैयार करने वाले लोग हैं उन्हें प्यूरिफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड सस्ता मिलेगा और वो और बेहतर तरीके से सस्ती दरों पर कपड़े बना पाएंगे, जिससे उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को फ़ायदा होगा। देखिए, पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर या फिर स्पन यान एक्चुअली में वो धागे होते हैं जिनके बारे में आपने देखा होगा कि आपको देखने में वो एक धागा लगता है, बट आप ध्यान से देखिए तो कई सारे छोटे छोटे पतले पतले धागों को आपस में यूं सर्किल करके आपस में तैयार किया गया होता है। बिल्कुल ऐसे करके, ऐसे करके वो कई सारे धागे आपस में मिक्स होते हैं और फिर बनता है एक धागा, तो ऐसे धागों को कहा जाता है स्पन यान। तो इन सभी प्रोडक्ट्स में, स्पन यान हो या फिर पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर हो, उन सभी में पीटीए का इस्तेमाल किया जाता है। जो ड्यूटी इम्पोज करी गई थी, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करी गई थी, उसकी वजह से जो इम्पोर्टर्स थे, इम्पोर्टर्स का मतलब वो लोग जो भारत में रहते हैं और पीटीए को किसी अन्य देश से भारत में इम्पोर्ट करते हैं, उन्हें हर 1000 केजी पीटीए पर $27 to $160 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था। जब भी वो चाइना, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, कोरिया या थाईलैंड से पीटीए को इम्पोर्ट करते थे, सरकार ने भी डिसाइड किया है कि वो इस ड्यूटी को रिमूव कर देंगे, जिससे पीटीए यूजर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा और वो आसानी से पहले की तुलना में कम पैसे में जो पीटीए है उसे इंपोर्ट कर पाएंगे और उस इंडस्ट्री को ज़्यादा इम्पिटस मिलेगा, ज़्यादा जोर मिलेगा। इसके अतिरिक्त मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल, MEG, मैक कह सकते हैं आप इसको, ये भी एक तरीके का रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल पॉलिएस्टर की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। उसके बारे में भी विचार विमर्श चल रहा है कि इसके ऊपर भी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है उसे हटा दिया जाए, और इस बारे में विचार किया जा रहा है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ के द्वारा, DGTR। ये हाल ही में बनाई गई एक संस्था है या फिर पद है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि पीटीए के ऊपर से तो एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा दी गई जिसका इस्तेमाल पॉलिएस्टर तैयार करने में किया जाता है, और अभी जो MEG है, मैग है, उसके ऊपर से भी विचार चल रहा है कि इसके ऊपर से भी एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो हटा दी जाए। अब बार बार एंटी डंपिंग ड्यूटी ये शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये एक तरीके का प्रोटेक्शनिस्ट मेजर होता है। जब हमें ऐसा महसूस होता है कि किसी दूसरे देश में किसी प्रोडक्ट की कीमत जानबूझकर गिरा दी गई है, जो नॉर्मल प्राइस होता है, जो फेयर मार्केट वैल्यू है, उससे भी नीचे गिरा दिया गया है ताकि दूसरे देशों में उनका माल काफी तेजी से पहुंचे, तो ऐसी स्थिति में जिन देशों में उस प्रोडक्ट का इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है वहां पर उसके खिलाफ ड्यूटी इंपोज करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ले लीजिए। मान लीजिए कि चाइना में जो पीटीए है उसकी कीमत एक यूनिट के लिए 100 रुपीज़ होनी चाहिए, लेकिन जानबूझकर चाइना ने पीटीए की जो कीमत है वो एक यूनिट के लिए 80 रुपीज़ कर रखी है। वाइल वो नुकसान सह रहा है या फिर हो सकता है उसको फ़ायदा ना हो रहा हो, लेकिन उसने कीमतों को गिरा दिया है ताकि वो बाकी देशों की तुलना में इंडिया के मार्केट को पीटीए के लिए कैप्चर कर सके। ऐसी स्थिति में इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना के ऊपर इम्पोज कर सकता है, यानी कि इंडिया अपने इंपोर्टर्स को बोल सकता है कि अगर आप चाइना से पीटीए लेकर आएंगे तो भले ही चाइना आपको 80 रुपए में दे दे, लेकिन आपको
हमें 30 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, मतलब अब पीटीए की कीमत इंडिया में आने के बाद 100 की बजाय 110 रुपये हो जाएगी, जिससे इंपोर्टर्स डिसइंसेंटिवाइज होंगे और जो चाइना का प्लान होगा अपने पीटीए को इंडिया में डंप करने का वो फेल हो जाएगा। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब आपने समझ लिया। बात करते हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के बारे में। इस पद को 2018 में बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। इसमें कुछ और पदों को सब्ज्यूम कर दिया गया, लाइक डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सेफगार्ड्स एंड सम फंक्शंस ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो देखिए, दो बॉडीज को इसमें सब्ज्यूम किया गया और कुछ काम डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का भी सब्ज्यूम कर दिया गया। किसमें? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज में। फंक्शन यही है कि ये जो रिमेडियल मेजर्स हैं ट्रेड को बेहतर करने के लिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में विचार करने के लिए, काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में विचार करने के लिए, इन सभी चीज़ों को देखने की जिम्मेदारी इसी बॉडी की होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया पीटीए के बारे में। अगला आर्टिकल, ड्राफ्ट ऑन रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, अभी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की है जहां पर उन्होंने बोला कि रिवर्स ऑस्मोसिस के यूज को प्रोहिबिट किया जाएगा। कहां? उन प्योरीफायर्स के लिए जहां पर किसी ऐसे रीजन में जहां पर जो पानी में टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स की मात्रा है वो 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम है। पहले ये मतलब बता देता हूं, उसके बाद हम समझते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए, आरओ आपने सामान्य भाषा में, आम बोलचाल में सुना होगा, जिसका इस्तेमाल पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। पानी में जो खराब पदार्थ होते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, ये आरओ उस वेस्ट मटेरियल को निकाल देता है और आपको साफ पानी देता है। लेकिन कई बार कुछ जगहों पर आरओ जिस पानी को साफ करता है वो पहले से ही काफी साफ होता है, लेकिन जब भी आरओ पानी को प्योरीफाई करता है तो बहुत बड़ी मात्रा में जो पानी है वो वेस्ट हो जाता है। ये जो पानी के वेस्ट होने की मात्रा है ये 75% होती है, मतलब कि अगर आप 1 लीटर पानी को आरओ में प्योरीफाई करने के लिए रखते हैं तो केवल आपको 250 ग्राम साफ पानी मिलता है और 750 ग्राम जो पानी है वो इस प्योरीफिकेशन प्रोसेस के दौरान वेस्ट बन जाता है। इससे काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन इन मशीन्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये उस वेस्ट वाटर को हैंडल नहीं कर पाते। पानी वेस्ट होता ही होता है, चाहे वो पानी पहले से ही साफ क्यों ना हो। तो इसीलिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये नोटिफिकेशन जारी करी कि अगर पानी पहले से ही साफ है तो फिर उसे आरओ के प्रोसेस से क्यों गुजारा जा रहा है, उसका रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों किया जा रहा है। अगर किसी पानी में 500 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम टोटल डिजॉल्व सॉलिड है, टीडीएस है, टीडीएस का मतलब मैं आपको बता देता हूं, टीडीएस का मतलब कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से है, जैसे कि साल्ट, प्रिंसिपली कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, बायोकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स या सल्फेट्स, ये पानी में घुले रहते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें ही टीडीएस कहा जाता है, और इन्हीं को साफ करता है ये आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए इसे ही साफ किया जाता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा पहले से ही बहुत कम हो तो 500 मिलीग्राम का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, 1000 मिलीग्राम का मतलब होता है 1 ग्राम, ठीक है, 1 लीटर में 1000 ग्राम नहीं होता, उससे कुछ कम होता है, फिर भी मतलब आधा ग्राम आप कह लीजिए, 0.5 ग्राम आप कह लीजिए, अगर आधे ग्राम से भी कम टोटल डिजॉल्व सॉलिड है 1 लीटर पानी में तो क्या उसे आरओ के प्रोसेस से गुजारना जरूरी है? क्या उसके लिए 750 ग्राम पानी को बर्बाद कर देना उचित है? इसी बात को संज्ञान में लेकर इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया। अब इसके पहले कि मैं आगे की बातें करूं, मैं आपको बता देता हूं कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है। बिफोर दैट आप ये समझिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है और प्राकृतिक प्रक्रिया क्या होती है। सपोज करिए कि ये दो पानी है, एक पानी है जो गंदा है, इसमें साल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, और एक पानी है जो साफ है। मैं बता देता हूं कि पानी का नेचर क्या होता है। पानी का नेचर ये होता है कि जहां पर हाई डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी से पानी हाई डेंसिटी की ओर जाता है। अगर यहां पर इस पानी में नमक घुला हुआ है और जो साल्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो अवेलेबल हैं और ये पानी बिल्कुल साफ है, यहां पर कोई भी साल्ट मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो पानी का नेचर ये होगा कि यहां पर लेस कॉन्सेंट्रेशन है वाटर में, तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा। मतलब कि अगर आप इसके बीच में एक सेमी परमिएबल जो ऑब्जेक्ट है वो लगा दें, या कोई एक गत्ता लगा दें, सोख्ता लगा दें, जो पानी को इस पार से उस पार ले जा सकता हो, तो ये पानी इस पार से इस ओर आएगा। ये है नेचुरल प्रोसेस। हमेशा पानी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है, ये है प्राकृतिक प्रक्रिया, इसमें कोई साइंस नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसे ही कहा जाता है ऑस्मोसिस, मतलब कि लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो पानी है वो फ्लो करता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऑस्मोसिस। लेकिन इससे तो साफ पानी भी गंदा हो जाएगा, हमें तो गंदे पानी को साफ करना है, मतलब कि हमें इस प्रक्रिया को उल्टा करना है,
मतलब अगर हम ऑस्मोसिस को रिवर्स कर दें तो हमें गंदे की बजाय साफ पानी मिल जाएगा। यहाँ पर अगर साफ पानी गंदे पानी की ओर जा रहा है मतलब साफ पानी भी गंदा हो रहा है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ये पानी इस ओर आए ताकि इसमें जो गंदगी है वो इसी तरफ रह जाए और पानी साफ हो जाए। लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है और आपको कोई भी प्रकृति के खिलाफ अगर प्रक्रिया करनी है तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा और आरओ यही काम करता है। तो आरओ एक स्पेसिफिक फोर्स के माध्यम से जो कि मैकेनिकली किया जाता है इस गंदे पानी से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले पानी की ओर पानी के फ्लो को इन्हेंस करता है, जिससे वाटर के अंदर जो साल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस ओर रह जाते हैं और साफ पानी इस ओर आ जाता है। तो जो ऑस्मोसिस है उसमें तो पानी को इस ओर जाना चाहिए लेकिन पानी अब इस ओर आ रहा है, तो ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। इसे ही आप आरओ कहते हैं। और आरओ ये शब्द आप आम बोलचाल की भाषा में सुनते हैं। उम्मीद है आपको आरओ का मतलब समझ में आ गया। अगर आपने आरओ समझ लिया है देन लेट्स टॉक अबाउट अहेड। बाकी की बातें क्या है? जो ड्राफ्ट है वो एनजीटी के एक नोटिफिकेशन के बाद आया या एनजीटी के आर्ग्यूमेंट्स के बाद आया, जहां पर उन्होंने बोला कि ऐसे एरियाज में आरओ प्योरीफायर्स को बैन कर दिया जाए जहां पर पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, मतलब जहां पर साफ पानी अवेलेबल है वहां पर भी लोग आरओ का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? वो साफ पानी को भी बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए जो आरओ प्योरीफिकेशन सिस्टम है उसमें ये बोला गया कि जहां पर भी आरओ का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पानी का इस्तेमाल केवल पीने के लिए किया जाए। लोगों को ऐसा लगता है कि वो गंदे पानी से सिर धोएंगे तो उनके बाल झड़ जाएंगे, तो वो आरओ के पानी का इस्तेमाल सिर धोने के लिए करते हैं और कई बार नहाने के लिए भी करते हैं कि वो बिल्कुल साफ पानी से नहा रहे हैं। बट उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, एनवायरमेंटल कॉस्ट, क्योंकि आप उस साफ पानी को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पानी गंदा कर रहे हैं या फिर खराब कर दे रहे हैं। अभी ये रूल्स फाइनलाइज नहीं हुए हैं, अगर ये रूल्स फाइनलाइज हो जाएंगे तो आरओ मशीन मैन्युफैक्चरर्स को अपने मशीन के डिजाइन में परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन कुछ इस प्रकार से कि अगर ये जो TDS है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स है, इनकी मात्रा 5 मिलीग्राम से कम है तो वो प्योरीफायर उस पानी को प्योरीफाई करेगा ही नहीं। इस तरीके से चेंज उन्हें अपनी मशीन में करना होगा। इन्फोर्समेंट जो होगा वो जिम्मेदारी होगी CPCB की, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। वो देखेंगे कि जो आरओ मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन नोटिफिकेशंस के साथ कंप्लाई करें। जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो आरओ प्योरीफायर्स के ऊपर एक बैन इम्पोज करेगी और उनको ये इंडिकेट किया जाएगा कि वो अपनी मशीन की डिजाइन को थोड़ा सा इस नोटिफिकेशन के हिसाब से मोल्ड करें ताकि अगर TDS की मात्रा कम है तो वो आरओ उस पानी को प्योरीफाई करे ही नहीं। तो ये तो बात हो गई ड्राफ्ट ऑन रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम के बारे में। होपफुली आपको समझ में आ गया। अगला आर्टिकल है टर्मिनेटर टेप। टर्मिनेटर, देखिए स्पेस डेब्रिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टर्मिनेटर टेप इवॉल्व किया जा रहा है। आपको लगता होगा कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करना बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, सैटेलाइट्स को लॉन्च करना एक बड़ा काम है, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब वो सैटेलाइट्स डाई फंक्शन हो जाएं तो उनका करें क्या? सैटेलाइट्स की एक एज होती है, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन एक समय के बाद वो डाई फंक्शनल हो जाते हैं, मतलब उनका काम खत्म हो जाता है और वो स्पेस में एक कचरा बन जाते हैं जो लगातार स्पेस के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, बिना किसी काम के घूमते रहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे जो सैटेलाइट्स हैं वो घूम रहे हैं, जिन्हें आप स्पेस डेब्रिस कह लीजिए, क्योंकि काम तो वो अब कुछ कर नहीं रहे, तो वो कचरा बन चुके हैं। ये आने वाले फ्यूचर के ऑपरेशंस को या फिर सैटेलाइट मिशंस को खतरा पहुंचाते हैं, क्योंकि अगर किसी फंक्शनल सैटेलाइट से ये डाई फंक्शनल सैटेलाइट टकरा जाता है तो वो उसे बेकार कर देगा, खराब कर देगा और उससे हमें नुकसान होगा। तो इन कचरों को समाप्त करना बड़ा चैलेंज होता है। इसी स्पेस डेब्रिस की समस्या को सॉल्व करने के लिए एक कंपनी जिसका नाम टीडर्स है, टीडर्स अनलिमिटेड, उन्होंने एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन डेमोंस्ट्रेट किया है ताकि सैटेलाइट की इस समस्या से निजात पा सकें जो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद बिना काम के हो जाते हैं। और जो सॉल्यूशन उन्होंने निकाला है उसे ही कहा गया है टर्मिनेटर टेप। टर्मिनेटर टेप एक स्मॉल मॉड्यूल होता है जिसका साइज एक नोटबुक जितना होता है, मतलब एक नोटबुक आप इमेजिन कर लीजिए उतनी बड़ी एक डिवाइस होती है। उसका वेट 2 पाउंड से कम होगा, यानी कि 1 kg से भी कम होगा। उसे सैटेलाइट के साथ जोड़ दिया जाएगा, सैटेलाइट के बाहरी हिस्से के साथ। सपोज करिए कि यह सैटेलाइट किसी स्पेस सेंटर ने लॉन्च किया है तो इसी सैटेलाइट के बाहरी हिस्से के साथ इस टर्मिनेटर टेप को ऐड कर दिया जाएगा। यह टर्मिनेटर टेप तब तक एक्टिवेट नहीं रहेगा जब तक कि सैटेलाइट फंक्शनल रहेगा। ये जो टर्मिनेटर टेप है वो एक कंडक्टिव टेप के साथ जुड़ा रहेगा। जो ये डिवाइस है ये एक टेप के साथ जुड़ी रहेगी, ठीक है। ये टेप का जो दूसरा छोर है वो यहां जुड़ा रहेगा। हालांकि ये डिवाइस जो टर्मिनेटर टेप है ये इनएक्टिव रहेगा तब तक जब तक सैटेलाइट काम करती रहेगी, लेकिन जब सैटेलाइट डाई फंक्शनल हो जाएगी तब इस टेप का काम शुरू होगा।
टेप स्पेस के एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा और एक ड्रैग फोर्स क्रिएट करेगा। देखिए, इसके लिए एक टाइमर सेट किया जा सकता है। जैसे यूजुअली हमें पता होता है कि एक सैटेलाइट कितने समय तक काम करेगी, जैसे अभी जो एक सैटेलाइट लॉन्च करके इसका टेस्ट किया गया था, वो सैटेलाइट 3 महीने तक काम करने वाली थी। तो हमने 3 महीने का एक टाइमर लगा दिया कि 3 महीने के बाद ये टर्मिनेटर टेप जो है वो अपना काम करना शुरू कर दे। तो टर्मिनेटर टेप जो है वो एक टेप उस सैटेलाइट के साथ अलग होकर बिल्कुल एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा, और जब वो स्पेस एनवायरमेंट में फैलेगा तो वो सैटेलाइट के लिए एक ड्रैग फोर्स क्रिएट करेगा, जिससे ऑर्बिट जो है वो उस सैटेलाइट का नीचे होने लगेगा। जैसे देखिए, ये अर्थ है और सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में रखा गया और वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब वो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ये जो टेप क्या करेगा, ये टेप एक ड्रैग फोर्स क्रिएट करेगा और इस सैटेलाइट के ऑर्बिट को नीचे लेकर आएगा। अब ये सैटेलाइट धीरे धीरे नीचे आने लगेगा और नीचे ये अर्थ की ग्रेविटी में आने लगेगा। ठीक है, अब आपको लगेगा आपके सिर के ऊपर गिर गया, तो नहीं, ये आपके सिर के ऊपर नहीं गिरेगा, क्योंकि जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आएगा, ये बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, जल के समाप्त हो जाएगा। तो प्लैनेट जैसे ही ये जो सैटेलाइट है ये टर्मिनेटर टेप की मदद से इसका ऑर्बिट लो हो जाएगा, क्योंकि ये ड्रैग फोर्स क्रिएट करेगा, खींचेगा अर्थ की ओर, और उस ड्रैग फोर्स की मदद से जब इसका ऑर्बिट लोअर होगा, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो जल के राख हो जाएगा। इसीलिए इस कंपनी ने टर्मिनेटर टेप को एक अफोर्डेबल लाइट वेट सोल्यूशन कहा है स्पेस डेब्रिस को खत्म करने के लिए। स्पेस डेब्रिस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, कोई ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जो स्पेस में डायफंक्ट हो जाए, मतलब उसका काम खत्म हो जाए, नॉन फंक्शनल स्पेस क्राफ्ट, एबंडेंट लॉन्च व्हीकल स्टेजेस, या फिर कोई भी सैटेलाइट, वो कचरा बन जाता है और वो फ्यूचर के मिशन को डिफिकल्ट बनाता है, उसका ही सोल्यूशन है टर्मिनेटर टेप। आई होप आप समझ गए होंगे कि टर्मिनेटर टेप करेगा क्या। वो सैटेलाइट से अलग होगा, सैटेलाइट्स को अर्थ की ओर खींचेगा, और जब सैटेलाइट अर्थ के कॉन्टैक्ट में आएगा तो अपने आप ही जलकर राख हो जाएगा, जिससे हम एक स्पेस डेब्रिस से बच जाएंगे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टर्मिनेटर टेप। अगला आर्टिकल यूथर्मिया से रिलेटेड है। यूथर्मिया क्या है इस पर बात करेंगे, बिफोर दैट ये जानिए कि ये न्यूज़ में क्यों है। एक नई स्टडी है जिसे हाल ही में एक बहुत ही फेमस जर्नल में पब्लिश किया गया है, उसका नाम है ई लाइफ। ई लाइफ जर्नल में इस स्टडी को पब्लिश किया गया, जिसमें ये कंक्लूड किया गया कि जो एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहा है, वो लगातार बदलता रहता है। आपको कभी बुखार हुआ है? बुखार हुआ होगा तो आपने थर्मामीटर से उसको नापा होगा। जब आप थर्मामीटर से नापते हैं तो कैसे पता करते हैं कि आपका बुखार है या नहीं है? आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट से ज़्यादा देखते हैं, और जब आप 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट से अपने बॉडी के टेम्परेचर को ज़्यादा देखते हैं, तो जितना ज़्यादा आपको टेम्परेचर मिलता है आप कहते हैं कि मुझे उतना डिग्री बुखार है। ठीक है, तो डिग्री फॉरेनहाइट में हम बुखार नाप लेते हैं। एक्चुअली में 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट ये हमारे बॉडी का एवरेज टेम्परेचर माना गया है, और उसके ऊपर जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम कहते हैं बुखार हो गया है। लेकिन क्या आप सच में आश्वस्त हैं कि आपके बॉडी का एवरेज टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट ही है? क्या हो अगर आपके बॉडी का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 96 डिग्री फॉरेनहाइट हो, और आपको जो टेम्परेचर मिल रहा हो वो मिल रहा हो थर्मामीटर में 99? आपको लगेगा कि बुखार न के बराबर है, क्योंकि 0.4 डिग्री फॉरेनहाइट ही टेम्परेचर ज्यादा है, जबकि जो बुखार है वो 3 डिग्री ज्यादा है। तो हमने एक पैरामीटर अपनाया है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, ये हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर माना गया, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। इसे ही कहा जाता है नॉर्मोथर्मिया। नॉर्मोथर्मिया, जहां भी थर्मिया लगा हो इसका मतलब टेम्परेचर से होता है, तो मतलब बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसे ही नॉर्मोथर्मिया कहा जाता है, या उसे ही यूथर्मिया बोला जाता है। तो यूथर्मिया का मतलब आपने समझ लिया, यूथर्मिया हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है जो ऐसा माना जाता है कि ह्यूमंस में है। तो एक एवरेज टेम्परेचर हमें 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट बताया गया है, और इसी के बेसिस पे हम इसे गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं लगभग एक शताब्दी से लेकर, और इसी के बेसिस पे बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। लेकिन अगर ये पैरामीटर ही गलत हो तब तो बड़ी दिक्कत है, मतलब हमें फिर से री इवेल्युएशन मेथड ऑप्ट करने पड़ेंगे। किसी ने तो बताया होगा ना कि 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। किसने बताया और कैसे बताया? क्या उसने जिसने बताया सच में उसका इवेल्युएशन एक्यूरेट था? एक जर्मन डॉक्टर ने इस बारे में एक्सपेरिमेंट किया था और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट बताया था, और उसे ही हम आज तक मानते रहे हैं। उस डॉक्टर का नाम था कार्ल रैनहोल्ड ऑगस्ट वुंडलेक, यह था उनका नाम। 1851 में उन्होंने इस बारे में काम स्टार्ट किया था कि वो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर तैयार करेंगे। उन्होंने 1 मिलियन से ज़्यादा मेजरमेंट्स किए थे 25,000 पेशेंट्स के ऊपर।
25,000 पेशेंट्स के ऊपर उन्होंने 1 मिलियन से ज़्यादा मेजरमेंट किए और अपनी फाइंडिंग्स को 17 साल बाद 1868 में एक किताब में पब्लिश किया, जहां पर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। और हमने इस बात को सच माना, हमने माना कि किसी डॉक्टर ने 1 मिलियन से ज़्यादा अगर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो होपफुली जो उसके रिजल्ट्स हैं वो सही हैं, उसे ही आधार मानकर आज तक हम ह्यूमन बॉडी को कैलकुलेट करते चले आ रहे हैं। लेकिन मोस्ट जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो वुंडरलिक के इस एक्सपेरिमेंट को फ्लॉड बताते हैं, गलत बताते हैं। उनके हिसाब से उनके जो इक्विपमेंट थे वो इनएक्यूरेट थे। डिफरेंट स्टडीज़ में ये पाया गया कि ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो अलग अलग रहा है। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा नहीं, एवरेज टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट नहीं, रेदर ये 97.7 डिग्री फॉरेनहाइट है या फिर 97.9 डिग्री फॉरेनहाइट है, या कुछ लोगों ने तो इसे 98.2 डिग्री फॉरेनहाइट भी बताया। अब क्या है, क्या सही है? जो रीसेंट स्टडी है जिसके आधार पे हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, उसने ये बताया कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो पिछली 2 सेंचुरीज से लगातार गिर रहा है। मतलब जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर है वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है लास्ट 2 ईयर से। तो अगर उनका जो टेम्परेचर वुंडरलिक ने बताया 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट वो तब रहा भी हो तो अब वो काफ़ी कम हो चुका है, और अगर वो भी फ्लॉट था तो टेम्परेचर में, एवरेज टेम्परेचर में आज काफ़ी डिफरेंस होगा, जहां पर हमें नए थर्मोमीटर की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि जो ऑथर्स हैं वो इस कूलिंग ट्रेंड को एक्सेप्ट करते हैं, वो ये मानते हैं कि सही बात है, पिछले 200 सालों में जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर है वो तेजी से गिर रहा है। लेकिन उन्होंने अभी भी कोई एक एवरेज टेम्परेचर डिक्लेयर नहीं किया। जैसे कि वुंडरलिक ने तो बता दिया कि 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर है, सब लोग ये तो कह रहे हैं कि अलग है, डिफरेंट है, उससे कम है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि एवरेज कितना है। कारण भी है, कारण ये है कि एज का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है, दिन के समय में किस समय इवैल्यूएशन किया जा रहा है, मेल फीमेल जो जेंडर है उसका भी फर्क पड़ता है। इन सभी चीज़ों की वजह से अभी भी एक डेफिनेशन हम तैयार नहीं कर पाए हैं एवरेज बॉडी टेम्परेचर के लिए। यूथर्मिया का ये आर्टिकल आपको होपफुली समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल सुपर कैम ऑन मार्स 2020 रोवर के बारे में है। बेसिक्स की बात पहले करते हैं, मार्स 2020 रोवर क्या है? देखो, मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब मंगल ग्रह को और नज़दीकी से जानने के लिए नासा के द्वारा मार्स 2020 रोवर को लॉन्च किया जाएगा इसी साल के जुलाई या फिर अगस्त के महीने में। रोवर आपको पता है क्या होता है, लैंडर जब किसी स्पेशल बॉडी पर लैंड करता है तो उसके बाद उस लैंडर से 4 पहिए की एक गाड़ी निकलती है, एक तरह का रोबोट होता है जो घूमता है स्पेशल बॉडी पर और उस स्पेशल बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, रिसर्च करता है। तो ये मार्स 2020 रोवर का काम होगा मंगल ग्रह की जियोलॉजी को समझना, जियोलॉजी मतलब मंगल ग्रह के फिजिकल स्ट्रक्चर को समझना और वहाँ पे एक्सप्लोर करना क्या लाइफ संभव है या फिर पास्ट में ऐसा कोई समय था जब लाइफ संभव थी मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट पॉइंट, ये मिशन मंगल ग्रह पर चट्टान के कुछ टुकड़े और सोयल सैंपल्स यानी मिट्टी के सैंपल्स भी कलेक्ट करेगा और उनको स्टोर करेगा ताकि फ्यूचर में चट्टान के टुकड़ों को और मंगल ग्रह से सोयल सैंपल्स को धरती पर लाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, नई टेक्नोलॉजीज़ को टेस्ट किया जाएगा इस मार्स 2020 रोवर मिशन के द्वारा, और जिन टेक्नोलॉजीज़ को टेस्ट किया जाएगा इसका फ़ायदा कब होगा, फ्यूचर में देखो कोई और रोबोटिक मिशन भेजा जाता है मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर ह्यूमन बींग्स भी जाते हैं मार्स पर एक्सप्लोरेशन के लिए, तब उन टेक्नोलॉजीज़ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये हमने मार्स 2020 रोवर मिशन के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर ली। अब हम जानते हैं सुपर कैम के बारे में। कंटेक्स्ट देखो ये है, ये जो मार्स 2020 रोवर मिशन भेजा जाएगा ना नासा के द्वारा, इस रोवर पर ये सुपर कैम भी लगा होगा। सुपर कैम देखो एक प्रकार का रोबोट है जिसको रोवर मिशन के साथ भेजने का मकसद ये है, मंगल ग्रह पर चट्टानों को स्टडी करना और ये जानना क्या पास्ट में कभी लाइफ संभव थी मंगल ग्रह पर। सुपर कैम रोबोट के द्वारा कैमरा, लेजर और स्पेक्ट्रोमीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है मिनरोलॉजी और केमिस्ट्री को 7 मीटर की दूरी से स्टडी करने के लिए। इसके अलावा थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी है। देखो सुपर कैम के द्वारा जिस लेजर का इस्तेमाल किया जाता है वो लेजर दूर से ही डस्ट को रिमूव कर सकता है ताकि सुपर कैम के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एक क्लियर व्यू प्राप्त हो मार्स की स्टडी करने के लिए। तो ये फायदा है, जैसे देखो यहाँ पे सुपर कैम है, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर सुपर कैम है, यहाँ पर मिट्टी है, आगे
ऑब्जेक्ट है जिसको स्टडी करना है, तो लेजर जो है डस्ट को रिमूव कर सकता है ताकि ऑब्जेक्ट का एक क्लियर व्यू मिले। नेक्स्ट पॉइंट, इवन देखो पेंसिल के पॉइंट से छोटी चीज़ों को भी स्टडी किया जा सकता है लेजर के द्वारा। नेक्स्ट, रॉक टेक्सचर केमिकल्स इनको स्टडी किया जा सकता है, और मंगल ग्रह पर जो डस्ट है, डस्ट में कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ताकि कल को अगर मंगल ग्रह पर ह्यूमन बींग्स को भेजना हो तो पहले से इन्फॉर्मेशन होगी मंगल ग्रह पर हार्मफुल पार्टिकल्स हैं या फिर नहीं हैं, और हैं तो कौन कौन से हैं। लास्ट में एक और बात, एयर को भी मेजर किया जाएगा इस सुपर कैम के द्वारा, ताकि साइंटिस्ट को ये पता लग सके कि एटमोस्फेरिक मॉलिक्यूल्स, वाटर, आइस, डस्ट, ये कैसे मंगल ग्रह पर सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। ये सारा डेटा देखो साइंटिस्ट को काफ़ी मदद करेगा प्रिडिक्ट करने में कि मंगल ग्रह का वेदर कैसा होगा। मार्स पे दूसरे मिशंस की बात करें, ये सारे मिशंस देखो नासा के हैं, मैरिनर, मार्स रेजोनेंस ऑर्बिटर, फोनिक्स, मावन, इनसाइट सिलेंडर, क्यूरोसिटी रोवर, और इसरो का मिशन आपको पता है मंगलयान, जो अभी लॉन्च नहीं किया गया है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल सोलर ऑर्बिटर मिशन के बारे में है। देखो सोलर ऑर्बिटर मिशन जो है ये एक जॉइंट वेंचर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नासा के साथ मिलकर। इस मिशन को पिछले 7 सालों से प्लान किया जा रहा है। इस मिशन को लॉन्च करने का मकसद ये है, सूर्य की सोलर विंड्स और सूर्य का जो इनर हेलियोस्फीयर का एरिया है इसे डिटेल में स्टडी करना। सोलर विंड का क्या मतलब है, देखो सूर्य से लगातार चार्ज पार्टिकल्स एमिट होते रहते हैं जो पूरे सोलर सिस्टम में जाते हैं, और उन्हीं को कहा जाता है सोलर विंड्स। और हेलियोस्फीयर का क्या मतलब है, देखो सूर्य के चारों ओर इस प्रकार का बबल देखने को मिलता है, ये बीच में सूर्य है और चारों ओर ये बबल टाइप का जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसे ही हेलियोस्फीयर कहा जाता है। इस पूरे रीजन में सोलर विंड्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, और देखो ये सोलर विंड्स से अर्थ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ डिसरप्ट होती हैं, जैसे रेडियो कम्युनिकेशन या फिर सैटेलाइट्स की एक्टिविटीज़ भी प्रभावित होती हैं सोलर विंड्स की वजह से। तो अगर हमें ज़्यादा अच्छी जानकारी उपलब्ध होगी सोलर विंड्स के बारे में, हेलियोस्फीयर के बारे में, तो हम बेहतर ढंग से चीज़ों को प्लान कर पाएंगे, रेडियो कम्युनिकेशन को प्लान कर पाएंगे, सैटेलाइट्स को डिज़ाइन कर पाएंगे, ताकि सोलर विंड्स की वजह से जो सैटेलाइट्स की मूवमेंट्स हैं वो प्रभावित ना हों। यहाँ पर देखो ये सन के सरफेस के 42 मिलियन किलोमीटर के अंदर जाएगा और वो सारे ऑब्जर्वेशंस लेगा जिनकी आवश्यकता है सोलर विंड्स और हेलियोस्फीयर को स्टडी करने के लिए। सूर्य का जो पोलर रीजन है, मान लीजिए ये सूर्य है, जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन की ऑब्जर्वेशन की जाएगी इस सोलर ऑर्बिटर मिशन के द्वारा। अर्थ से देखो सूर्य की पोलर रीजन्स की ऑब्जर्वेशन लेना डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए ये जो मिशन है सूर्य के सरफेस के 42 मिलियन किलोमीटर के अंदर जाएगा और ज़रूरी ऑब्जर्वेशन लेगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सोलर ऑर्बिटर मिशन के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल COVID-19 के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। देखो अभी जो नोवेल कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, इस नए कोरोना वायरस की वजह से 1000 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं चाइना में। तो WHO ने अब इस नए कोरोना वायरस को अपना ऑफिशियल नाम दिया है, नाम है COVID-19, मतलब आगे से नोवेल कोरोना वायरस को COVID-19 के नाम से जाना जाएगा। को का मतलब है कोरोना, वी का मतलब है वायरस, डी का मतलब है डिजीज। किसी नए ह्यूमन डिजीज का नाम देते वक्त WHO काफ़ी प्रैक्टिसेस को अप्लाई करता है। ये जो प्रैक्टिसेस हैं लागू होती हैं किसी इन्फेक्शन सिंड्रोम या फिर ह्यूमन डिजीज पर जिसको अभी तक ह्यूमंस के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, जिसका कॉमन यूजेस में अभी तक कोई नाम भी नहीं है, और इसका पब्लिक हेल्थ पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे इन्फेक्शन को, सिंड्रोम को या फिर डिजीज को नाम दिया जा सकता है WHO के द्वारा। नाम देखो किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन या फिर एनिमल या फिर इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के नाम पर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो मान लीजिए किसी पर्सन के नाम पर या फिर ग्रुप के नाम पर या फिर जगह के नाम पर अगर डिजीज का नाम दे दिया जाता है तो उस जगह के साथ, पर्सन के साथ स्टिग्मा अटैच हो जाएगा। इसलिए नाम कभी भी
पर्सन के नाम पर, ग्रुप के नाम पर या फिर जगह के नाम पर नहीं होना चाहिए, और नाम ऐसा होना चाहिए जिसको आसानी से प्रोनाउंस किया जा सके। तो नाम जो दिया गया है नोवेल कोरोना वायरस को वो है कोविड-19। आगे से अगर कोविड-19 लिखा हुआ आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल डार्क फाइबर से संबंधित है। कंटेक्स्ट जानने से पहले बेसिक्स की बात करते हैं। डार्क फाइबर का मतलब क्या है? देखो, डार्क फाइबर का मतलब है अनयूज्ड फाइबर, मतलब ऐसा फाइबर जिसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में होता क्या है? इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है लाइट पल्सेस की फॉर्म में। जैसे ये केबल है, इस केबल में इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है। मान लीजिए ए लोकेशन से बी लोकेशन तक इंफॉर्मेशन को सेंड करना है, तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन सेंड होगी लाइट पल्सेस की फॉर्म में। देखो, जब कोई कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाती है तो इस पर बहुत सारा खर्च आता है, तो उस कंपनी को यह लगता है हम ऑप्टिकल फाइबर केबल तो बिछा ही रहे हैं, अगर फ्यूचर में हमें और ज्यादा बैंडविड्थ की आवश्यकता पड़े, मतलब हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही समय पर सेंड करनी है, तो कुछ एक्स्ट्रा केबल्स भी बिछा देते हैं। तो कंपनीज एक्स्ट्रा केबल्स भी बिछा देते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल वो नहीं कर रही होती हैं शुरुआत में। फ्यूचर यूज के हिसाब से वो एक्स्ट्रा केबल्स बिछा देते हैं ताकि फ्यूचर में आवश्यकता पड़े तो उन केबल्स को भी इस्तेमाल किया जा सके। तो ऐसे ही फाइबर को कहा जाता है डार्क फाइबर, जो बिछा तो दी गई हैं लेकिन अभी उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। समझ गए? अब कोई पूछे डार्क फाइबर का क्या मतलब है? डार्क फाइबर का मतलब है ऐसी फाइबर जो अभी अनयूज्ड है, अभी जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है लेकिन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमने डार्क फाइबर का मतलब जान लिया। अब आप ये जान लीजिए कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट ये है, मेजर जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्होंने स्टेट रन भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को अप्रोच किया है उनके डार्क फाइबर को यूज करने के लिए। ऐसा करके मेजर टेलीकॉम प्रोवाइडर जो हैं अपने खर्चों को कम कर सकेंगे, उन्हें नया ऑप्टिकल फाइबर नहीं बिछाना पड़ेगा, जो ऑप्टिकल फाइबर BBNL ने बिछा लिया है उसी के अनयूज्ड फाइबर का इस्तेमाल किया जा सकेगा मेजर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा कुछ पैसे देकर। क्योंकि देखो, BBNL का केबल अगर इस्तेमाल किया जाएगा दूसरे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा तो फिर पैसे तो देने पड़ेंगे ना इस्तेमाल करने के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल 11 वायरस के बारे में है। देखो, चर्चा अभी फिलहाल पूरे वर्ल्ड में नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में है, बट एक और वायरस सुर्खियों में आया है, 11 वायरस। रिसर्चर्स ने इस 11 वायरस को डिस्कवर किया है ब्राज़ील की पैम्पुला लेक में। ब्राज़ील की ये जो पैम्पुला लेक है ये आर्टिफिशियल लेक है। मैप भी देख लीजिए, UPSC के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैप से संबंधित। 11 वायरस के बारे में हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें। ये देखो एमीबा को इन्फेक्ट करता है, हालांकि इसका साइज काफ़ी छोटा है फिर भी ये एमीबा को इन्फेक्ट करता है। आमतौर पर बड़े जो वायरस होते हैं साइज में वही एमीबा को इन्फेक्ट कर पाते हैं, लेकिन ये जो छोटा वायरस है 11 वायरस फिर भी एमीबा को इन्फेक्ट करता है। इस वायरस के जो जीन्स हैं वो देखो काफ़ी दुर्लभ हैं, 80 जीन्स हैं यानी 80 जीन्स हैं इस वायरस के। अभी तक 6 जीन्स को ही साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो मतलब इस वायरस के जीन्स काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ हैं। इस वजह से इस 11 वायरस को DNA वायरसेस में क्लासिफाई करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। DNA वायरसेस को देखो क्लासिफाई किया जाता है यानी विभिन्न कैटेगरीज में डाला जाता है प्रोटीन के आधार पर। उनका शेल या फिर कैप्सिड किस प्रोटीन से बना है उसके आधार पर DNA वायरसेस को वेरियस कैटेगरीज में डाला जाता है। बट देखो 11 वायरस का जो कैप्सिड है यानी सेल है वो किसी भी पहले नॉन प्रोटीन को रिजेंबल नहीं करता है। मतलब अभी जो प्रोटीन जिनके बारे में हमें जानकारी है, वर्ल्ड को जानकारी है, कोई भी प्रोटीन नहीं है 11 वायरस के शेल में। इसी वजह से क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छी बात ये है कि ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट नहीं किया जाता है 11 वायरस के द्वारा, तो फिलहाल एज सच कोई खतरा नहीं है 11 वायरस से। वायरस के बारे में हम बेसिक जानकारी अगर डिस्कस करें, ये देखो स्मॉल पैरासाइट होते हैं जो अपने आप से खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। रिप्रोड्यूस करने के लिए इनको एक मीडियम की आवश्यकता होती है, और एक बार किसी सेल को ये इन्फेक्ट कर देते हैं तो
वायरस जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ज्यादातर जो ये वायरस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है। वायरस के द्वारा कौन कौन से प्रमुख डिजीज किए जा सकते हैं, एचआईवी एड्स, स्मॉल पॉक्स, इबोला, ये सब। चलते हैं आगे। इंपोर्टेंट आर्टिकल कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? अभी देखो, चाइना में नोवल कोरोना वायरस या फिर कोविड 19 का आउटब्रेक देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन किसी ड्रग को अभी तक डेवलप नहीं किया जा सका है इसके इलाज के लिए। लेकिन अब चाइना के नेशनल बायोटिक ग्रुप ने ये अनाउंस किया है कि हमने, यानी चाइना ने कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को डेवलप किया है उन पेशेंट्स के इलाज के लिए जिनको कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया है। तो क्या मतलब है इस कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का, हम जान लेते हैं। देखो, जब हमारी बॉडी पर पैथोजेंस मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर हार्मफुल वायरसेस अटैक करते हैं, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज को डेवलप करने लगता है। एंटीबॉडीज एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? एंटीबॉडीज का काम यह होता है हार्मफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल वायरसेस जिन्होंने बॉडी के ऊपर अटैक किया है उनका मुकाबला करना, उनको हराना, ताकि इन हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से बॉडी जो बीमार हो गई है उसे ठीक किया जा सके। मतलब आप कह सकते हो कि जो एंटीबॉडीज जो हैं ये हीरो हैं एक प्रकार से, और हार्मफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल वायरसेस यानी जो पैथोजेंस हैं वो विलेन हैं। काम कैसे करते हैं ये एंटीबॉडीज? देखो, प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज होते हैं, ये वायरस के साथ चिपक जाते हैं और वायरसेस को रोकते हैं सेल्स में एंटर करने से। अगर वायरसेस सेल्स में एंटर नहीं करेंगे तो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, इनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। समझ गए? ये सिंपल मतलब है किसका, एंटीबॉडीज का। और कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है? देखो, कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में ये होता है वो लोग जो किसी डिजीज से या फिर इन्फेक्शन से रिकवर हो चुके हैं, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नोवल कोरोना वायरस या फिर कोविड 19 ने इन्फेक्ट किया था, लेकिन वो लोग अब पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। मतलब ऐसे लोगों के अंदर एंटीबॉडीज ने अच्छा काम किया और नोवल कोरोना वायरस जो है उसको हरा दिया। तो क्या किया गया है चाइना के नेशनल बायोटिक ग्रुप के द्वारा, ऐसे लोग जो रिकवर हो चुके हैं उनके अंदर से प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं उनको लिया जाएगा और उन एंटीबॉडीज को दूसरे पेशेंट्स के अंदर डाला जाएगा ड्रग की सहायता से जो अभी भी नोवल कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। मैं फिर से सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। ए पर्सन है कोई, ए पर्सन को नोवल कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया था लेकिन एंटीबॉडीज़ ने अच्छा काम किया और नोवल कोरोना वायरस को हरा दिया। तो अब वो जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको देखो निकाला जाएगा और एक बी पर्सन के अंदर डाला जाएगा जो नोवल कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, बट बी पर्सन के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो ए पर्सन जो ठीक हो चुका है, जहां पर एंटीबॉडीज स्ट्रॉन्ग हैं, जो ऑलरेडी हरा चुके हैं नोवल कोरोना वायरस को, वहां से एंटीबॉडीज को लिया जाएगा और डाला जाएगा बी पर्सन के अंदर, ताकि एंटीबॉडीज फिर से बी पर्सन के अंदर भी मुकाबला करें नोवल वायरस का और उसको हरा सकें। ये मतलब होता है कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का। देखो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी इन्फेक्शन या फिर डिजीज के इलाज के लिए कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया हो। जब इबोला वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला था अफ्रीका के कंट्रीज में, जैसे गिनी, सियरा लियोन, लिबेरिया 2014 में, शुरू में ड्रग डेवलप नहीं हो सकी थी इबोला के लिए, तो उस समय भी वो लोग जो रिकवर हो गए थे इबोला से, उन लोगों में से एंटीबॉडीज निकाली गई थी और उन एंटीबॉडीज का इस्तेमाल किया गया था दूसरे लोगों के इलाज के लिए जो इबोला से इन्फेक्टेड हैं बट रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। प्लाज्मा को वैसे निकाला जाता है और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं। मतलब ये तो कहने की बात थी कि एंटीबॉडीज को ए से बी में डाल दिया, एक्चुअल में प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज किया जाता है और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पेल ब्लू डॉट के बारे में है। पेल ब्लू डॉट देखो एस्ट्रोनॉमी के इतिहास में मोस्ट आइकॉनिक इमेजेस में से एक है।
ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो पेल ब्लू डॉट, यहाँ पर ये सूर्य की रोशनी है, सन रेज हैं, और बीच में ये जो ब्लू कलर की डॉट आपको दिख रही है ये अर्थ है। अभी कंटेक्स्ट ये है, जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के द्वारा, ये नासा की एक लेबोरेटरी है, इस पेल ब्लू डॉट का एक नया वर्जन पब्लिश किया गया। समझ गए, अगर कोई पूछे पेल ब्लू डॉट क्या है, ये अर्थ की तस्वीर है, आसपास ये पूरा स्पेस है, ये सन रेज का स्ट्रैंड है। ओरिजिनल जो इमेज थी वो ली गई थी वॉयजर 1 मिशन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा 14 फरवरी 1990 को। तब देखो ये जो स्पेसक्राफ्ट था वॉयजर 1, ये बिल्कुल शनि ग्रह के थोड़ा सा आगे था। कार्ल सगन एक एस्ट्रोनोमर थे, उनके कहने पर कैमरास को एक बार फिर से ऑन किया गया था अर्थ की तरफ, ताकि अर्थ की तस्वीर ली जा सके। तब ये तस्वीर ली गई थी, और बाद में वॉयजर 1 एयरक्राफ्ट के ऊपर जो कैमराज और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बंद कर दिया गया था, ताकि वॉयजर स्पेसक्राफ्ट का जो कार्यकाल है, लाइफ है, उसे इंक्रीज किया जा सके। वॉयजर 1 के बारे में हम डिस्कस करें, ये नासा का एक स्पेस प्रोब है जिसे लॉन्च किया गया था 1977 में। ऑलमोस्ट 42 साल हो चुके हैं वॉयजर 1 को काम करते करते, और अभी भी डीप स्पेस नेटवर्क जो अर्थ पर सिचुएटेड है, इस डीप स्पेस नेटवर्क से रूटीन कम्युनिकेशन किया जाता है वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा। काफ़ी दूर है अभी ये अर्थ से इसका डिस्टेंस है 148.67 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी ऑलमोस्ट 22.2 बिलियन किलोमीटर। ये डिस्टेंस जनवरी 2020 तक का है। तो अभी तक देखो कोई भी मैन मेड ऑब्जेक्ट अर्थ से इतनी दूरी पर नहीं गई है। काफ़ी अच्छा काम इस वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा किया गया है, जैसे जुपिटर के पास से गुजर के इन्फॉर्मेशन एकत्रित करना, सैटर्न और सैटर्न का लार्जेस्ट मून जो है टाइटन के पास से गुजर कर भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल नासा के नए मिशंस से संबंधित है। नासा ने देखो डिस्कवरी प्रोग्राम के अंतर्गत 4 नए मिशंस को अनाउंस किया है। कौन कौन से 4 मिशंस को अनाउंस किया गया है? डाविंची प्लस, डाविंची का पूरा नाम है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग प्लस। ये जो मिशन है वीनस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को एनालाइज करेगा। इसके बाद आईवीओ का मतलब है आईओ वोल्केनो ऑब्जर्वर। आईओ जो है वो जुपिटर का एक मून है। ये मिशन क्या करेगा? आईवीओ जुपिटर के मून आईओ को एक्सप्लोर करेगा। ये जो जुपिटर का मून है बहुत ज़्यादा वोल्केनिकली एक्टिव है, मतलब यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा इरप्ट होते हैं। नेक्स्ट ट्राइडेंट जो मिशन है ये नेपच्यून के आईसी मून ट्राइटन को एक्सप्लोर करेगा। सबसे लास्ट में वेरिटास जो मिशन है ये एक्सप्लोर करेगा विनस को। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा मिशन कौन से प्लैनेट या फिर कौन से मून के लिए है। बिल्कुल डिटेल में आपको चीज़ें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इसरो के मिशंस नहीं हैं, ये दूसरे देशों की स्पेस एजेंसीज के मिशन हैं। तो दूसरे देशों की स्पेस एजेंसीज के जो मिशंस होते हैं उनके बारे में आपको हल्की जानकारी होनी चाहिए, और इसरो के जो मिशंस हैं उनके बारे में आपको डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सुपर जायंट स्टार बीटलजूस के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक टेलीस्कोप है, वेरी लार्ज टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप की सहायता से एस्ट्रोनॉमर्स ने बीटल जूस को डिम होते देखा है। जो ये बीटल जूस है ये देखो रेड सुपर जायंट स्टार है। कौन सी कॉन्स्टेलेशन का ये पार्ट है? ओरियन का। कॉन्स्टेलेशन का क्या मतलब होता है? देखो जब काफी सारे स्टार मिलके एक रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न बनाते हैं तो उसे कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए ये सब स्टार ने मिलके एक इस प्रकार का पैटर्न बना दिया, प्लस का साइन बना दिया, तो ये क्या हुआ? ये कॉन्स्टेलेशन है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टार मिलके एक रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न बना रहे हैं। तो ओरियन कॉन्स्टेलेशन का ये पार्ट है स्टार बीटलजूस। खास बात देखो ये है कि ये जो स्टार है पिछले 6 महीनों में डिम हो रहा है, मतलब चमक जो है इस स्टार की
वो फीकी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि ये जो स्टार है वो ब्लास्ट करने वाला है, क्योंकि रिसर्चर्स का और एस्ट्रोनॉमर्स का ये बोलना है कि अभी ये स्टार ब्लास्ट नहीं करेगा अगले 1,00,000 सालों तक। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो काफ़ी हैरान हैं। तो क्या रीज़न है कि ये जो स्टार है वो डिम कर रहा है, लाइट जो है कम हो रही है इस स्टार की? ऐसा देखो पिछले 6 महीनों से हो रहा है। तो अगर UPSC पूछे सुपर जायंट स्टार बीटल ज्यूस के बारे में क्यों ये सुर्खियों में आया, तो अब आप आसानी से बता सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल होप स्पेसक्राफ्ट से संबंधित है। ये देखो UAE का स्पेसक्राफ्ट है जिसे फंड तो किया गया है UAE के द्वारा, लेकिन बिल्ड किया गया है मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, इन सब के द्वारा मिलकर इस होप स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा 2020 में। अगर UPSC पूछती है ये कौन से देश का स्पेसक्राफ्ट है, तो इसका आंसर होगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देखो 50वीं एनिवर्सरी है UAE की और उसी उपलक्ष पर इसे लॉन्च किया जाएगा इस साल। ये 2021 में मार्स पर पहुंच जाएगा। क्या करेगा होप्स के स्पेसक्राफ्ट मार्स पर पहुंचकर? प्रोब करेगा, यानी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि मार्स पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम क्यों हो रही है, मार्स पे जो क्लाइमेट है वो तेजी से चेंज क्यों हो रहा है। डेली बेसिस पे मार्स के क्लाइमेट को ऑब्जर्व किया जाएगा होप स्पेसक्राफ्ट के द्वारा। इसके अलावा सीजनल साइकल्स, लोअर एटमॉस्फेयर में वेदर इवेंट्स जैसे डस्ट स्टॉर्म, इन सब को ऑब्जर्व किया जाएगा मार्स के अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में, ताकि क्लाइमेट में जो बदलाव आ रहा है मार्स के उसके बारे में पता लगाया जा सके। चलते हैं आगे। आदित्य L1 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? इसरो के हवाले से खबर निकल के आई है। अगले साल के शुरुआत में इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 जो है ये देखो इसरो का फर्स्ट साइंटिफिक मिशन है सन को स्टडी करने के लिए। यानी सन को स्टडी करने के लिए इससे पहले कोई भी मिशन इसरो के द्वारा नहीं भेजा गया है। आदित्य L1 मिशन जो है ये सन को कम दूरी से ऑब्जर्व करेगा और सन के एटमॉस्फेयर एंड सन के मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। आदित्य L1 एक 400 किलोग्राम का सैटेलाइट होगा जिसे लॉन्च किया जाएगा PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सहायता से। देखो आदित्य L1 इसरो का सेकंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन होगा। इससे पहले एक स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा चुका है जिसका नाम है ऑस्ट्रोसेट। आदित्य L1 मिशन में 7 पेलोड्स होंगे। हर एक पेलोड का अपना अलग से फंक्शन होगा, जैसे सन के कोरोना को स्टडी करना, सोलर एमिशंस को स्टडी करना, सोलर विंड्स एंड फ्लेयर्स को स्टडी करना, कोरोनल मास इजेक्शंस को स्टडी करना, राउंड द क्लॉक इमेजेस ली जाएंगी सन की इन 7 पेलोड्स के द्वारा। देखो कोरोना सन के आउटर एटमॉस्फेयर को कहा जाता है और ये जो मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा इसरो की वेरियस लैब्स और दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा मिलकर। वैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इस मिशन का जो नाम है आदित्य L1, L1 का क्या सिग्निफिकेंस है, L1 क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट्स स्पेस में वो लोकेशन है जहाँ पर दो बड़ी बॉडीज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक थर्ड छोटी बॉडी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। मैं फिर से बोलता हूँ, लैग्रेंज पॉइंट स्पेस में वो लोकेशन है जहाँ पर दो लार्ज बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्स मिलाकर, जैसे सन और अर्थ ये दो बड़ी बॉडीज हैं, इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स मिलाकर एक तीसरी छोटी बॉडी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। तीसरी छोटी बॉडी आप मान सकते हो मून। टोटल देखो स्पेस में 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। फायदा क्या होता है इन लैग्रेंज पॉइंट्स का? फायदा देखो ये होता है, जैसा हमने डिस्कस किया कि फोर्सेस का इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। जैसे L1 यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम है, तो कोई सैटेलाइट यहाँ पर
पार्क हो सकता है और आसानी से सन को ऑब्जर्व कर सकता है। किसी प्रकार का कोई एक्लिप्स व्यू को खराब नहीं कर सकता। फ्यूल कम कंज्यूम होगा, अगर देखो आर पार कोई सैटेलाइट चक्कर लगाता रहेगा सन को मॉनिटर करने के लिए तो फ्यूल बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। यहाँ पे अगर सैटेलाइट पार्क हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस का इक्विलिब्रियम है, पार्क किया जा सकता है सैटेलाइट को, तो राउंड द कॉर्नर सन की इमेजेस ली जा सकती हैं। ये देखो फायदा होता है किसी लैग्रेंज पॉइंट का कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, इसलिए स्पेसक्राफ्ट को पार्क किया जा सकता है। दो और स्पेस एजेंसीज के सोलर प्रोब्स के बारे में आप जान लीजिए। पार्कर सोलर प्रोब, ये नासा का प्रोब है। हेलियोस 2 सोलर प्रोब, इसको 1976 में लॉन्च किया गया था नासा और उस समय जो वेस्ट जर्मनी की स्पेस एजेंसी थी उनके द्वारा मिलकर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हेनेगुआ साल्मिनिकोला के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? साइंटिस्ट ने एक नया एनिमल डिस्कवर किया है जिसका नाम है हेनेगुआ साल्मिनिकोला। खास बात यह है, इस एनिमल को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि ये जो एनिमल है वो जीवित रह सके। हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जानें इस नए एनिमल के बारे में। ये देखो छोटा सा एनिमल है, 10 सेल पैरासाइट से भी छोटा, जो कि सैल्मन फिश के मसल्स में रहता है। इस एनिमल को माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इस एनिमल में माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होता ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आपको पता है, ये एक प्रकार से सेल का पावर हाउस होता है जो कि ऑक्सीजन को कैप्चर करता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता इस एनिमल में, मतलब पैरासाइट जो है वो ऑक्सीजन को लेता ही नहीं है अपनी बॉडी में। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है इस एनिमल को सांस लेने के लिए। थोड़ी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम जाने हेनेगुआ साल्मिनिकोला के बारे में। ये देखो जेलीफिश और कोरल का रिश्तेदार है। जैसे जैसे ये एनिमल इवोल्व हुआ, इस एनिमल ने सांस लेना छोड़ दिया और ऑक्सीजन को कंज्यूम करना छोड़ दिया। ये अनार्बिक बन गया एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे देखो कुछ दूसरे अनार्बिक नॉन एनिमल ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल फंगी और अमीबा, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और बिना ऑक्सीजन के सांस लेते हैं। इन्हीं की तर्ज पर ये जो एनिमल है ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है बिना ऑक्सीजन के। तो एवोल्यूशनरी रिसर्च में इस एनिमल की डिस्कवरी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले ये सोचा जाता था कि एनिमल्स में सिर्फ एरोबिक रिस्पायरेशन प्रीवेलेंट है, बट अब ये कन्फर्म हो चुका है एनिमल्स बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं, बिना सांस लिए भी जीवित रह सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज रेयर डिजीजेस। रेयर डिजीजेस होते क्या है? रेयर डिजीजेस वो होते हैं जहां पे बहुत कम लोग बीमार पड़ते हैं, बहुत कम लोग को इस तरह की डिजीज होगी। WHO ने कहा इसकी डेफिनेशन, जो 1000 में से 1000 लोगों को होगी वो रेयर डिजीजेस कहलाती है। रेयर डिजीजेस बहुत सारे हैं, जिसमें से WHO ने लिस्ट आउट की है फ्यू डिजीजेस, जैसा कि जेनेटिक डिजीजेस हो गए, रेयर कैंसर्स हो गए, इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीजेस हो गए, डीजेनरेटिव डिजीजेस हो गए। रेयर डिजीजेस बहुत रेयर होती हैं, इसी कारण इसका ट्रीटमेंट रेयर होता है और इसी के कारण मेडिसिन जो हैं बहुत कम उपलब्ध होती हैं मेडिकल हॉल्स में। ठीक है, इसी को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की है जो कहलाती है नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो इंडिया में तो कोई मैन्युफैक्चरर ही नहीं है, इंडियन मैन्युफैक्चरर मेडिसिन का रेयर डिजीजेस वाली। हाँ, रेयर डिजीजेस इंडिया में क्या होती हैं, जैसा कि हीमोफीलिया हो गया, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये हो गए। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया वो कंडीशन है जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है, ब्लड क्लॉट होना कम होगा या नहीं होगा, उसको कहते हैं हीमोफीलिया। पता है अगर किसी को इंजुरी हो गई और जिसके कारण ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई, वो ब्लीडिंग एक समय पे आकर रुक जाती है क्योंकि क्लॉटिंग होगी वहां पे। क्लॉटिंग नहीं हुई तो बहुत सारा ब्लड लॉस होगा, ये कंडीशन कहलाता है हीमोफीलिया। सेकेंड थैलेसीमिया। थैलेसीमिया वो कंडीशन है जहां पे ऑक्सीजन बहुत कम या नहीं के बराबर प्रोटीन्स को कैरी आउट करेगा ब्लड में। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया वो कंडीशन है जहां पे आरबीसी ब्रोक डाउन हो जाते हैं,
जैसा कि सिकल सेल के शेप में आ जाते हैं। नॉर्मली आरबीसी का शेप डबल डंबल होगा, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के कारण आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, इस तरह की आएंगी। प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी ये चिल्ड्रन में होता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसा कि आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक होना, हेल्थी सेल्स खराब हो जाना, ये कंडीशन से रेयर डिजीजेस इंडिया में। तो नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर ने, और बहुत जल्द ये लागू इंप्लीमेंट की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल ड्रोन रेगुलेशंस के बारे में। ड्रोन होता क्या है? सी ड्रोन ये है जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। बहुत सारे ड्रोन्स को आपने अपनी रियल लाइफ में देखा होगा, कहां पर? फंक्शंस में। फंक्शंस में जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है आजकल, वो ड्रोन्स पे हो रही है। यहां पे कैमरा होगा ड्रोन्स के ऊपर। तो कॉन्टेक्स्ट है क्या? सी ड्रोन्स के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हैं और नेगेटिव एप्लीकेशंस भी हैं। पॉजिटिव एप्लीकेशंस क्या है? पॉजिटिव एप्लीकेशंस ये कि आपकी एग्रीकल्चर फील्ड पे अच्छी निगरानी रख सकते हैं आप, और आपके एसेट्स को मैनेज कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। ये पॉजिटिव हो गए। निगेटिव क्या है? निगेटिव जैसा कि यू नो प्राइवेसी खत्म हो जाएगी आपकी ड्रोन्स की वजह से, और रिसेंटली जो ईरान में अटैक हुआ था कमांडर इन चीफ सुलेमान के ऊपर, वो भी एक निगेटिव इम्पैक्ट है। हाँ, ये सब निगेटिव इम्पैक्ट्स को नजर में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये अनिवार्य कर दिया है कि हर कोई जो भी ड्रोन्स को ऑपरेट करेगा और जिसके पास भी ड्रोन्स होंगे, वो ड्रोन्स को रजिस्टर करवाना होगा। जब रजिस्टर करवाएंगे तब एक नंबर दिया जाएगा जिसको कहते हैं ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर, और जो ओनर है उसको एक नंबर दिया जाएगा ओनरशिप एक्नॉलेजमेंट नंबर। सिविल एविएशन ने बहुत बहुत सारे रेंजेस में इसको क्लासिफाई किया है ड्रोन्स को बेस्ड ऑन इट्स वेट, जिसमें से पांच चीजें ये हैं, नैनो माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज। नैनो किसको कहते हैं? नैनो जहां पे वेट होगा ड्रोन का 250 ग्राम से कम या 250 ग्राम के इक्वल में, माइक्रो 2 किलोग्राम से 250 ग्राम तक, स्मॉल 25 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक, मीडियम 150 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक, ग्रेटर होगा लार्ज जो कि ग्रेटर देन 150 किलोग्राम्स होगा। ड्रोन्स को अलग अलग जोन्स में क्लासिफाइड किया गया है गाइडलाइंस के अनुसार। रेड जोन हो गया, येलो जोन, ग्रीन जोन। हाँ, ये तीनों जोन्स में उड़ाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। जहां पे रेड जोन्स में तो बिल्कुल परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि ये नो फ्लाई जोन है। नो फ्लाई जोन इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेटेजिकल प्लेसेस आएंगे इसमें, जैसा कि एयर स्पेस हो गया अराउंड एयरपोर्ट्स पर, नियर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर, विजय चौक दिल्ली में जहाँ पे स्टेट सेक्रेटेरिएट है, स्टेट कैपिटल है, वहाँ पर स्ट्रैटेजिक लोकेशन जैसा कि वाइटल एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, वहाँ पे नहीं उड़ा सकते। रेड जोन डिक्लेयर किया गया है नो फ्लाई जोन, यहाँ पे ड्रोन्स उड़ा ही नहीं सकते आप। सेकेंड येलो जोन होगा, येलो जोन में उड़ाने के लिए आपको क्लियरेंस लेना होगा, एयर डिफेंस क्लियरेंस और एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्लियरेंस। ग्रीन जोन में उड़ाने के लिए आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से। करंटली इंडिया में जो है नो परमिशन नो टेक ऑफ, अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आप उड़ा नहीं सकते ड्रोन्स, ये क्लॉज चल रहा है। इंडिया में जो नई पॉलिसी आई है ड्राफ्ट ड्रोन पॉलिसी 2.0, वहां पे 100% FDI को प्रमोट किया गया है। वेर एज जो पहली पॉलिसी थी 1.0, वहां पे FDI का कुछ मेंशन ही किया गया नहीं है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।